हेलो गाइस, स्वागत है हमारा चैनल कामत ब्लॉग में। तो आज हम नया वीडियो लेकर आ गए हैं। इसमें हम नेपाल से भारत जाएंगे अपनी गाड़ी का टायर चेंज करवाने के लिए। अच्छा, क्योंकि यहाँ पर नेपाल में बहुत ज़्यादा महंगा पड़ता है, हमने सोचा भारत में थोड़ा सस्ता मिलेगा, इसलिए हम आज भारत जा रहे हैं टायर लगवाने के लिए। शाबाश बेटा, देख सकते हो हमारे गाँव, ये हमारा गांव का महादेव मंदिर है। और ये हम आ चुके हैं हाईवे पर। थोड़ा बहुत ड्राइविंग मैं भी जानता हूँ, इसलिए खुद ही चला रहा हूँ। अरे तुम तो बड़े हैवी ड्राइवर हो भाई। और ये पहले तो जाएंगे हम अपने चौक पर के घर में, वहाँ से कुछ लोग और जाएंगे, अंकल भी जाएंगे साथ में। और ये अब हम आ चुके हैं चौक पर। अरे तो क्या करूं, नहाऊं? अब सब लोग गाड़ी में बैठ चुके हैं, तो अब हम निकलते हैं इंडिया की ओर। फिर से हम वही रास्ता जाएंगे। इंडिया लगभग हमारे घर से 30 मिनट का रास्ता है, 25 किलोमीटर जितना दूरी है। तो आप भी देखते रहिए और थोड़ी देर म्यूजिक का मजा लीजिए। अभी मजा आएगा ना वीडियो। With a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone internally. I had some people burning me, but now they fucking learn to see. I ain't the one to fuck with, now they looking nervously. And I don't really care what you think of me respectfully. You can kick rocks if you think you're fucking better, see. I will outwork you, turn you to an enemy. Hurt you so bad that you're gonna need some therapy. और ये देख सकते हो यहाँ से नया रोड बन रहा है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। थोड़ा बहुत गड्ढा तो होगा इस पे, थोड़ी दिक्कत तो आएगी ड्राइविंग में, पर कोई नहीं, रोड बन रहा है, फ्यूचर के लिए अच्छी बात है। अभी थोड़ा दिक्कत होगा लेकिन बाद में तो मजा आएगा। अरे कहना क्या चाहते हो? और वैसे भी ज्यादा दूर तो है नहीं भारत यहाँ से, हमें भी कोई जल्दी है नहीं। और ये आ चुके हैं हम सिराहा। और ये देखो भैंसे कैसे खड़ी हुई है बीच में। और ये देखो ये चौतरफी वाटो यहाँ से परियार पट्टी जा रहा है, और यहाँ से जाएंगे सिराहा की ओर, और यहाँ से जाएंगे मारर की ओर, जो कि हमारा बॉर्डर है, मारर बॉर्डर। अच्छा, हमको सिखा दिया है। इतना टाइट बॉर्डर तो नहीं है, फिर भी देखते हैं कैसे कैसे चेकिंग होते हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ये देख सकते हो अस्पताल है। ये रहा माडर का दुर्गा मंदिर, और आप देख सकते हो रोड पे कैमरा भी लगा हुआ है, और क्योंकि ये बॉर्डर का रास्ता है तो ये जरूरी भी है। हम मालूम है तेरे बाप को मत सिखा। और आप ये भी देख सकते हो काफी घर टूटे हुए हैं रोड के कारण से, और जरूरी भी है क्योंकि रोड तो थोड़ा चौड़ाई तो होना ही चाहिए, नहीं तो एक्सीडेंट बहुत ज्यादा होता है। और ये राजनीतिक बात नहीं। और ये रहा बस पार्किंग, यहीं से काठमांडू की ओर बस खुलते हैं। अच्छा, और ये अब हम हंसार करते हैं। और ये देखिए अंकल जी को डर नाम का चीज ही नहीं है, इसकी माँ का भोला चेहरा। और ये अब हम आ चुके हैं भंसार पर, मर्डर का भंसार है। यहाँ से जाते वक्त तो गाड़ी का चेकिंग उतना नहीं होता है, पर आते वक्त पूरा टाइट चेकिंग होता है। क्यों नहीं, और देख सकते हो गाड़ी रुकी हुई है, चेकिंग हो रही है उसकी भी, हमारी भी होगी आते वक्त। और यहाँ पर एंट्री करवाना पड़ता है, पहले हम एंट्री करवा लेते हैं। शाबाश बेटा। और ये अब एंट्री करवा कर हम आगे जा रहे हैं। ए, गाड़ी स्टार्ट कर। पुलिस अंकल ने हमारा कैमरा भी बंद करवा दिए थे। देख सकते हो इंडियन गाड़ी अब यहाँ से चलती है। और ये रहा एंट्री गेट हमारा नेपाल का। वाओ, वेरी अमेजिंग। हमारे गांव से तो लोग साइकिल से भी आ जाते हैं इंडिया, बहुत नजदीक में है। और ये देख सकते हो आप बॉर्डर,
और मैं हैरान हूँ जी। यही हमारा नेपाल भारत का बॉर्डर, ये देख सकते हो बोर्ड, वेलकम टू इंडिया का बोर्ड लगा हुआ है, पर हमारे नेपाल की ओर कुछ भी नहीं है क्योंकि वो हमारा नेपाल। और ये देखिए अंकल कितना मेहनत कर रहा है भाई, पेट पालने के लिए तो कुछ भी करना पड़ता है चाहे जैसे भी हो। यहाँ पर घोड़ा गाड़ी बहुत फेमस है। ये अब हम आ चुके हैं इंडियन भंसार पे, यहाँ पर भी हमने एंट्री करवा ली, अब आगे जा रहे हैं। दोनों तरफ एंट्री करवाना पड़ता है, जरूरी भी है। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। अरिस्सा इंडिया का रोड तो बहुत छोटा लग रहा है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। यहाँ से रोड थोड़ा बढ़िया है, रोड भी बड़ा है और अच्छा रोड है, स्पीड बहुत बढ़ रही है गाड़ी की, बहुत तेज हो रहा है। और ये रहा कमला पुल, थोड़ा छोटा है हमारा नेपाल में तो कमला का पुल बहुत बड़ा वाला है, यहाँ पर थोड़ा छोटा बनाया गया है। और उस तरफ एक नया पुल भी बन रहा है। और ये राजनीतिक बात नहीं है। और ये अब हम जयनगर आ चुके हैं जो कि भारत का बहुत ही प्रसिद्ध ठाव है, काफ़ी लोग नेपाल से आते हैं यहाँ पर शॉपिंग करने के लिए, सामान थोड़ा सस्ता मिलता है इसीलिए। और ये अब हम आ चुके हैं जयनगर बाजार में, और अंकल जी को देखिए साइड नहीं दे रहे हैं अंकल जी, थोड़ा साइड दे दो अंकल। और ये साइड हो गए, अभी मजा आएगा ना भिड़ो। आप देख सकते हो रोड काफी छोटा है, और ये देख टेम्पो वाला का जबरदस्त बीच रोड पर रोक देते हैं। भाई इंडिया है, यहाँ सब चलता है, इस देश को इस जवाब का सवाल देना ही पड़ेगा। ये रहा इंडियन रेलवे, और यहीं से हमारा नेपाल का ट्रेन भी जाता है। तो गाइस वीडियो को ख़त्म करते हैं हम यहीं पे, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय सिया राम। अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूँ, मुझे no,